नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अब हम बना रहे हैं पोहा चिवड़ा। इसके लिए हमने कढ़ाई ली है, उसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। रिफाइंड ऑयल में इसका अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप कहें कि मस्टर्ड सीड्स में, तो उसमें मस्टर्ड ऑयल की स्मेल आती है। अगर आपको अच्छा लगता है मस्टर्ड ऑयल बनाना, तो आप इसमें बना सकते हैं। आप थोड़ा सा घी लेके भी बना सकते हैं। इसको हम पोहा भी कहते हैं, चिवड़ा भी कहते हैं। और इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ कर रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। हमारी नमकदानी है ये, हम शिमला मिर्च ले रहे हैं, प्याज दे रहे हैं, गाजर ले रहे हैं, इनको हमने चॉप कर दिया है, नींबू ले रहे हैं और पटैटोज ले रहे हैं, आलू ले रहे हैं, और हमने रफली चॉप करा है अनियन, और ये ग्रीन चिलीज है, और ये हमारा जादूगर का पोहा है, और राई लेंगे हम, और साथ में हम पीनट्स लेंगे। पीनट्स को हम फ्राई कर लेंगे, और इसको फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे बाहर। फिर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। और हम कड़ी पत्ता ले रहे हैं, हमारे पास अमूल दही का पैकेट भी है। हम जब पोहा बन जाएगा तो हम अमूल दही के साथ खाएंगे। ये जो पोहा है, ये इसकी स्पेशल बात ये है कि हम ये रेसिपी दो अलग अलग तरीके से बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। ये रेसिपी का नाम है पोहा बाय भरजाई। ये मेरी भरजाई पोहा बना रही है, मेरी भरजाई जिसको मैं बॉडी बुलाती हूँ, वो मेरी भरजाई है और पोहा बना रही है। इसमें हम क्या करेंगे कि जो जादूगर पोहा का पैकेट है, उसमें से हम पोहा निकालेंगे। ये हमारा पोहा है। पोहा दो तरीके से मार्केट में अवेलेबल होता है, एक तो होता है मोटा और एक होता है बारीक। ये हमने पोहा ले लिया है। पोहा हम ये 6 लोगों के लिए बना रहे हैं, उसी के हिसाब से हमने वेजिटेबल्स ली है। अगर आपको ज़्यादा या कम करना हो आप कर सकते हैं। हमने ये पोहा लिया है, पोहा को हम धोएंगे, और हमने ये सीव छलनी ली है, उसके अंदर हमने पोहा डाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके नीचे हमने प्लेट रख दी है कि अगर जब हम धो लेंगे तो इसके नीचे जो पानी निकलेगा वो कढ़ाई, मतलब ये जो हमारा ये बर्तन है, इसी में जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पोहे को हमने धोना होता है, जो चिवड़ा होता है उसको हमें धोना होता है, उसको भिगोना नहीं होता। कई लोग होते हैं जो काफ़ी देर पोहे को भिगो के रखते हैं, उसे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। ये जैसे सूखा सूखा नहीं रहता, वो लेसला बन जाता है, और जिससे हमारा पोहा अच्छा नहीं बनता। एक और तरीका है कि अगर हम जैसे इसको धो लेते हैं पोहे को, उसके बाद हम जब वो बिल्कुल सूख जाए, उसके बाद उसको हिलाएं, हम हिलाने के बाद उसमें नमक डाल के थोड़ी देर रख दें। ऐसे भी आप बना सकते हैं। बाकी अब क्या रेसिपी हम बना रहे हैं वो तो आपको देखनी पड़ेगी। देखने के लिए आपको एंड तक पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप नए व्यूअर्स हैं सांझी रसोई या बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और जरूर कीजिए, और हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको नहीं अच्छी लगी तब भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाएगा। और खाइए, खिलाइए, और बताइए कि कैसा लगा पोहा चिवड़ा। हम कढ़ाई में से ये पीनट्स निकाल रहे हैं, और इसका हम यूज़ बाद में करेंगे। अब हम उसी रिफाइंड में हम पटाटोज डाल रहे हैं। अब जो भी सामान डालेंगे थोड़ा पीछे हटके डालें, क्योंकि इसकी जो छींटे हैं वो आपके ऊपर लग सकती हैं, क्योंकि जो रिफाइंड है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए आप बिल्कुल पास खड़े होके मत डालिएगा, नहीं तो आपके हाथ पे या आपके फेस पे लग सकती है इसकी छींटे। और फिर आप कहेंगे कि सांझी रसोई के दो पासियाँ ने बताया नहीं, सांझी रसोई या बॉन्ड ऑफ टुगेदर है। बैक टू बैक मैंने आपको 5 वीडियोज आज पोस्ट कर दी है, आप वो सारी वीडियोज हमारी देखिए।
पोहा बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, बहुत झटपट बनने वाला है, क्विक एंड इजी टू मेक हेल्दी पोहा। आप इसको टी टाइम पे भी ले सकते हैं जब आपका चाय पीने का मन हो, शाम को 3 से 4 बजे के बीच में, कई लोग 5 बजे भी पीते हैं, जैसे भी आपका जो भी आपका टी टाइम है इवनिंग में, उसमें एज ए स्नैक्स की तरह आप इसको ले सकते हैं। अब हम जो आलू हैं, पोटैटोज हैं, उसको हम थोड़ा ब्राउन होने देंगे। प्याज हमारे पिंकिश कलर हो गया है, प्याज का प्याज हैज चेंज इट्स कलर। अब हम इसमें जो हमने फ्राई किए थे पोटैटोज, आलू और पीनट्स, वो डाल रहे हैं। अब इसमें हम सेंधा नमक डाल रहे हैं, आप चाहे तो नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं, सेंधा नमक हेल्दी होता है इसलिए हम डाल रहे हैं। इसमें हम लाल मिर्च डाल रहे हैं, इसमें हम पिसा हुआ धनिया डाल रहे हैं, इसमें हम हल्दी डाल रहे हैं, ये मिक्स वेज पोहा है, कांदा पोहा कह सकते हैं, मिक्स वेज पोहा कह सकते हैं आप। कांदा एंड बटाटा पोहा भी कह सकते हैं आप। अच्छा, जो पोहा होता है इसके मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के होते हैं, एक जो बहुत थिक होता है, एक थिन होता है। हम मीडियम थिन वाला यूज कर रहे हैं, जो ज्यादा थिक होता है वो पोहा इस्तेमाल होता है नमकीन बनाने में, जैसे वो डाइट नमकीन आती है उसमें जो पोहा डालते हैं, चिवड़ा डालते हैं, वो थिन होता है। ये होता है थिक होता है, इसको हम हिला लेते हैं। अब हमने पोहा जो लिया था उसको हमने हल्का सा ड्रेन किया है, हमने उसको डुबोया नहीं है उसके अंदर, पानी के अंदर हमने जस्ट हल्का सा वॉश किया है, और इसको इंस्टेंटली वॉश करके हम इसको कढ़ाई में डाल रहे हैं। अब सारा पोहा डाल रहे हैं, अब जैसे कि देख सकते हैं इट्स अ पोहा बाय भरजाई, मेरी भाभी बना रही है पोहा। और जो दूसरी रेसिपी हुई वो मैं बना रही हूँ, तो आप बताइए इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा बना है पोहा। इसको हम अच्छे से पलट लेंगे, थोड़ी एफर्ट लगेगी पर पलट लेंगे। बाकी अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आप फ्री हैं, आप रेसिपी देखिए हमारी सांझी रसोई बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस पे विद उपासना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप बड़ी कढ़ाई ले सकते हैं, उसमें आप इजीली इसको शिफ्ट कर सकेंगे, अच्छे से हिला सकेंगे। अभी हमने छोटी कढ़ाई ली है आपको दिखाने के लिए कि छोटी कढ़ाई में ऐसे बनता है। अब इसमें हम नींबू निचोड़ेंगे, जरूरी नहीं है कि सारा इवनली हम इसको हिलाएं, थोड़ा जैसे ये वाइट फॉर्म आ गया है, वाइट में है, कुछ ऐसे है, ऐसे भी चलता है। इंदौर में जो पोहा मिलता है वो ऐसे ही मिलता है। नींबू निचोड़ लीजिए, चाहे अपने हाथ से निचोड़िए या नींबू जिसे नींबू निचोड़ होता है उससे आप करिए। इससे क्या होगा कि जो पोहा है वो चिपकेगा नहीं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें, मतलब जो पोहा की वीडियो पार्ट 2 बना रहे हैं उसमें हम टमाटर डालेंगे। इसको आप हिला लीजिए, इसमें हम गार्निश के लिए हरा धनिया ऐड कर रहे हैं, आप चाहे तो कसूरी मेथी भी कर सकते हैं। ये फ्रेश कोरिएंडर लीव्स हैं, इसको धो के इसको हमने रफली चॉप कर लिया है और डाल दिया है।
अच्छा, और अभी हम हिलाएंगे इसको। मेरा तो मन फ्लेम बंद कर दिया है और हमारा पोहा रेडी है। हमारा इंदौर का ये पोहा या पोहा विद भरजाई, भरजाई द पोहा रेडी है। इसमें हमने ऊपर से नमकीन डाली है, चटनी ली है और कर्ड लिया है। और आप खाइए, खिलाइए और हमें बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा पोहा रेडी है सर्व होने के लिए। इसमें हमने पोहे पे गार्निश के लिए ऊपर नमकीन डाली है, आप हरी चटनी की और दही के साथ इसको खा सकते हैं। कैसा लगा आपको ये पोहा आप हमें बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल। थैंक यू, बाय बाय।